क्या इंसान मांसाहारी है? दोस्तों, हम लोग हमेशा एक सवाल को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इंसान है क्या? क्या इंसान मांसाहारी है, क्या इंसान शाकाहारी है? अब देखिए ना, मैं ही आपसे अगर ये सवाल पूछ लूं तो पता है आप लोग क्या बोलेंगे? कई लोग तो ये बोलेंगे कि हम सब सर्वभक्षी हैं, कुछ लोग कहेंगे कि हम तो शाकाहारी हैं, कुछ लोगों का कहना होगा कि भाई हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं। अब यहां शुद्ध शाकाहारी का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो एनिमल से मिलने वाले कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खाते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं कि इंसान शारीरिक और बायोलॉजिकल रूप से एक्चुअली में है क्या। चलिए एक दफा के लिए मेरी बात मान लीजिए कि हम सब मांसाहारी हैं। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम सिर्फ मांसाहारी जानवरों की तरह मांस खाएं तब क्या होगा? मैं बताता हूं क्या होगा। सबसे पहले जो समस्या होगी वो है कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, जितना भी पशु पदार्थ है उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल होता है और रेगुलर मांस के सेवन से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमें सर्कुलेटरी डिजीज भी हो सकती है, जैसे कि हमें दिल का दौरा पड़ सकता है। ये इसलिए होगा क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, वो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल नहीं पचा सकता। भाई हमारे शरीर को पता ही नहीं है कि इस एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को कैसे मैनेज करें। फिर दूसरी जो तकलीफ होगी वो है कि हमें मांस में से फाइबर नहीं मिलेगा जो हमें वनस्पतियों से मिलता है। अब ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि फाइबर हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो हमारे पेट के अंदर छोटी आंत होती है ना, उसमें खाने को आगे जाने के लिए फाइबर का होना बहुत जरूरी है, जिसे हम बॉल मूवमेंट कहते हैं। और फाइबर की कमी होने से हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज भी हो सकता है, फिर हम अनेक बीमारियों से घिर जाएंगे। अब बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए की भी अपनी कुछ अलग समस्याएं हैं। दोस्तों, ये जो विटामिन ए हमें मांस खाने से मिलता है ना, वो अलग तरह का विटामिन होता है जिसे कहते हैं रेटिनॉल। हमारा लीवर बहुत तकलीफ में आ जाता है रेटिनॉल को मैनेज करते हुए। और फिर विटामिन ए के यूज की बात करें तो विटामिन ए का सेवन करने से आंखों की रोशनी बढ़िया होती है और बॉडी का रोग प्रतिरक्षा तंत्र भी बेहतर होता है। दोस्तों, एक और समस्या जो हो सकती है वो है विटामिन सी की प्रॉब्लम। वो क्या है कि मांस में से विटामिन सी निकलना बहुत बहुत मुश्किल होता है और हमारा शरीर विटामिन सी नहीं बनाता। जो मांसभक्षी प्राणी होते हैं ना, वो विटामिन सी खुद ही बना लेते हैं, लेकिन विटामिन सी तो हम बाहर से लेते हैं, वनस्पतियों में से, जैसे नींबू, आंवला आदि। इन सभी चीजों को खाकर हम विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अगली समस्या की। अगली जो तकलीफ है जो कि हमें मांस खाने की वजह से होगी वो ये कि मांस में से हमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते हैं। हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स बहुत पसंद है और हमारे शरीर को बहुत अच्छे से कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी निकालना आता है। अगर हम मांस खाएंगे तो हमें मांस के फैट और प्रोटीन से एनर्जी निकालना पड़ेगा और बॉडी को फैट और प्रोटीन से एनर्जी निकालने में बहुत बहुत दिक्कत होती है। दोस्तों, अब अगर हम इन सभी बातों पर ध्यान दें तो सिर्फ मांस खाने से बहुत सारी तकलीफें होंगी और हमारा शरीर मैनेज नहीं कर पाएगा और हम धीरे धीरे मर जाएंगे। आपको पता है ये जो मांसाहारी प्राणी होते हैं, इनका जबड़ा बहुत मजबूत और ताकतवर होता है। इनके लोअर और अपर जॉ जॉइंट होते हैं, लेकिन जितने भी शाकाहारी प्राणी होते हैं उनका जॉइंट कुछ ऊपर की तरफ होता है, जैसे कि हमारा जबड़ा जो कि कुछ ऊपर की तरफ है यानी कि कुछ एल शेप में। हमारा जबड़ा भी शाकाहारी प्राणियों की तरह है। हमारा जबड़ा साइड साइड यानी कि लेफ्ट राइट साइड भी हिलता है, जैसे कि गाय और घोड़ों का जबड़ा लेफ्ट राइट साइड हिलता है, क्योंकि हमें जो खाना होता है उसे मसलना होता है, जबकि मांसाहारी प्राणियों का जबड़ा ज्यादातर साइड साइड नहीं हिलता है, सिर्फ ऊपर नीचे होता है। अच्छा दोस्तों, अब अगर हम नाखून पर गौर करें तो मांसाहारियों के नाखून मजबूत, लंबे और नुकीले होते हैं, जिनका इस्तेमाल वो शिकार करने या उनको चीर फाड़ करने में करते हैं, जिन्हें वो उपयोग ना होने पर मोड़कर पैरों की गद्दीदार पगथलियों के नीचे छुपा लेते हैं, जबकि शाकाहारियों के नाखून छोटे व गोलाई लिए होते हैं, जिन्हें वो मोड़ नहीं सकता और ना ही उनकी पगथलियां गद्दीदार होती हैं। अच्छा दोस्तों, आपको एक और बात जानकर हैरानी होगी कि हमारे जीभ पर फैट और प्रोटीन रिसेप्टर नहीं होते हैं, इसीलिए जब भी कोई मांस का टुकड़ा जीभ पर रखा जाता है तो इसका टेस्ट हमें पसंद ही नहीं आता और हम उसे तुरंत थूक देते हैं। इसलिए हम मांस को पकाते हैं
और सब्जी, वनस्पति, मसाला ये सब मिला के बेहतरीन उसको चटपटा स्वादिष्ट बनाते हैं और तब कहीं जाकर हम उस मांस को खा पाते हैं, क्योंकि हम वनस्पति का टेस्ट कर पाते हैं और हमें यही टेस्ट पसंद है। लेकिन जो मांसाहारी हैं, उनको मांस का टेस्ट आता है, उनको ये सब्जी और मसालों का टेस्ट पसंद नहीं आता है। एक और गौर करने वाली बात है कि इंसानों के जो दांत हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आते हैं बिल्कुल बराबर, जबकि मांसाहारी प्राणियों के दांत बाजू बाजू में आते हैं जैसे कि कैंची, ताकि वो मांस को काट सकें और उसको अलग कर सकें। लेकिन इंसान ऐसा नहीं कर सकता, और जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनका मुंह और गला उनके शरीर के मुकाबले बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उनको बड़ा जबड़ा खोलना पड़ता है और बड़ा निगलना पड़ता है। उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो शाकाहारी प्राणी या इंसान का मुंह ज्यादा बड़ा नहीं होता, गर्दन भी छोटी होती है। और दोस्तों, इंसान का पेट पाचन तंत्र का केवल 25% है, जैसे कि दूसरे शाकाहारी प्राणियों का होता है, जबकि मांसाहारी प्राणियों का पेट बहुत बड़ा होता है, पूरे पाचन तंत्र का 60-70%, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा खाना खाना होता है। क्या पता अगली बार शिकार मिले या ना मिले, इसलिए भैया जो मिल रहा है उसको जम के खा लो, इसीलिए उनका पेट इतना बड़ा होता है। उनको कई दिनों तक हो सकता है भूखा भी रहना पड़े, इसलिए वो एक साथ मार के बहुत सारा खाना निगल जाते हैं। कहा जाता है कि एक भेड़िया 10 किलो मांस निगल सकता है। क्या हम इंसान इतना मांस कभी खा पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता खा पाएंगे, और जो खाएगा वो वाकई में इंसान तो नहीं कहलाएगा। दोस्तों, मांसाहारी प्राणियों का पेट ज्यादा एसिडिक होता है, जबकि इंसान का पेट ज्यादा एसिडिक नहीं होता है। मांसाहारियों का पेट ज्यादा एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि उन्हें हड्डियों को भी पचाना पड़ता है। उन्होंने जो मांस खाई है उसमें बैक्टीरिया, जीव जंतु होते हैं, उन जंतुओं को मारने के लिए उनका एसिडिक लेवल ज्यादा होता है। हमारा पेट ज्यादा एसिडिक नहीं होता है क्योंकि हमारा शाकाहारी प्राणियों की तरह है। अब अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो इंसान की छोटी आंत, जो कि 9 से 10 गुना लंबी होती है शरीर के मुकाबले, ये शाकाहारी प्राणियों में भी ऐसे होते हैं। लेकिन जो मांसाहारी प्राणी होते हैं इनमें आंतें छोटी होती हैं, केवल 3 से 4 गुना लंबी होती है इनके शरीर के मुकाबले, इसीलिए हमारी जो आंतें हैं वो शाकाहारी प्राणियों से मैच करती हैं। अभी तक हमने जो बातें की वो हमारे पेट से संबंधित थी, अब आइए बात करते हैं इंसान मानसिक तौर पर क्या है। दोस्तों, एक बहुत ही लॉजिकल और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं। अगर अभी मैं आपको स्क्रीन पर खून दिखाऊंगा, आपको कटा हुआ सर दिखाऊंगा या किसी जानवर को मारते हुए दिखाऊंगा, तो पता है आप लोग क्या कहेंगे? यैक, ये नहीं देखना यार, बंद करो इसे। आप उसे तुरंत बंद कर देंगे और आप कहेंगे नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। बताइए, सही कहा ना मैंने? सो, हमारा जो ये सिस्टम है ना, जो हमें ये सब नहीं देखने देता, अगर ये हमारा खाना होता तो हमें ऐसा कुछ कभी महसूस ही नहीं होता। आपको तकलीफ होगी ये सब देखकर, क्योंकि मानसिक तौर पर ये हमारे लिए है ही नहीं। चलिए अब मैं आपको कुछ छोटे जानवरों की तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए, क्या लगा इसको देखकर? यही ना, इसको गले लगाएं, प्यार करें, पुचकारें, यही लगा ना? कि ये लगा कि काम करते हैं यार, चलो इसको पकड़ के मारते हैं और बढ़िया मस्त पका के खाते हैं, ऐसा नहीं लगा ना? ये छोटे बच्चे हैं, ऐसे छोटे बच्चों को देखकर जो मांसाहारी होते हैं ना, वो जल्दी से मार डालते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे लाचार होते हैं, भाग भी नहीं पाते हैं। लेकिन हम लोगों को तो ऐसा नहीं लगता, हमें तो अंदर से उनको प्यार करने की इच्छा होती है, हमें उन पे प्यार आता है, दया आती है, हम उनका संरक्षण करना चाहते हैं। ये है हमारी असली मानसिकता। मानसिक तौर पर भी हम मांसाहारी नहीं है, हमें किसी को मारना नहीं आता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर मीट शॉप बंद कर दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि ठीक है भाई, आप अगर इतने ही मांसाहारी हैं तो एक काम करिए, जाइए जानवरों को मारिए और पका कर खा लीजिए, तो आपसे ये नहीं होगा, आप खाना छोड़ देंगे मांस। जो अपने आप को मांसाहारी मान बैठे हैं वो ये नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इंसान ने 1 या 2 लाख साल पहले आग की खोज की, आग का इस्तेमाल करना सीखा और इसके बाद मांस को पकाकर खाना सीखा, और इसलिए हम मांस खा पाते हैं। अगर कच्चा मांस खाना पड़े तो हम बिल्कुल भी नहीं खा पाएंगे और पचा भी नहीं पाएंगे, और हम बीमारी से मर जाएंगे। ये एक सत्य है। लोगों ने बहुत सारी स्टडीज और रिसर्च किए और इससे ये तो साफ हो गया
कि जो शाकाहारी होते हैं, शुद्ध शाकाहारी जो कि पशु पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं, वो सर्वभक्षियों के मुकाबले एवरेज 9 से 10 साल ज्यादा जीते हैं और शाकाहारी लोगों को रोग भी बहुत कम लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कहना क्या चाहते हो भाई। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन सब बातों से हमें पता चलता है कि हम शाकाहारी हैं, हमारी बनावट शाकाहारी है, हम प्राकृतिक तौर पर शाकाहारी इस दुनिया में आए हैं, लेकिन हम मांसाहारी या सर्वभक्षियों जीव के जैसे जीने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कि क्या इंसान मांसाहारी है और आप क्या हैं, शाकाहारी या मांसाहारी। और हाँ, ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन तो आप जरूर दबा ही लेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसी ही आवश्यक जानकारी लेकर। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।